अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही थी आलू मटर, लंच टाइम शुरू हो गया था और ये ईशा के लिए साबूदाना बना रही हूँ। मैंने कहा एक चूल्हे पे मैं सालन चढ़ा दिया और साथ ही मैंने साबूदाना भी बना लिया ताकि मेरे दो काम जो हैं वो एक साथ हो जाएँ। ये देखें, हम ये तक आलमोस्ट तक मैंने भून लिए थे आलू मटर को, अब तो इसमें तैयार होने वाली थी सब्ज़ी। इब्राहिम को देख लें, शरारती इब्राहिम की बाय बाय कर रहा खड़ा होकर, ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ जा रहा है। अभी ऊपर कोई शरारत करने जा रहा होगा कि सब नीचे जा रहा, मैं ऊपर कोई शरारत। ये देखें व्यूअर्स, इब्राहिम जो है वो स्टडी करने लगा हुआ है। इब्राहिम क्या कर रहे हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? और इसके बाद आपने क्या करना? मैंने ड्रोन उड़ाना है। ड्रोन अभी क्या कर रहा है? चार्जिंग पे लगा हुआ है? हाँ जी। ये देखिए व्यूअर्स, तो मैंने लगा है ये अपना छोटा सा ड्रोन चार्जिंग पे। चलो मिल गया ना, खुशी होगी अब आपको। सर्दियों का घूमा हुआ, इसमें तीन मोड भी होते हैं, सबसे लो स्पीड और सेकंड थोड़ी सी फास्ट, फिर डबल फास्ट, तीसरे मोड में। ये गाइस मेरा रिमोट है, गाइस इसमें भी एक फीचर है, अगर आपके ड्रोन की ये नीड भूल जाती है इस वैसे ऑर्डर तो कभी नहीं है, और आप यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक वायर का सिस्टम लगा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर येलो वायर ड्रोन को चार्ज कर देती है। इस सेल की पावर देती है, तो अंदर मेरे आया। तो गाइस अभी मैं आपको अपने ड्रोन को चार्जिंग पर लगा कर देता हूँ। ये देखें ड्रोन इसका लग रहा है चार्जिंग पे, बस गाइस लगने लगा है। ये देखें इसका ड्रोन लग गया है चार्जिंग पे। चलो रख दो इब्राहिम से, बहुत आधे घंटे के बाद चार्ज हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, इब्राहिम जो है वो उड़ाने लगे अपना ड्रोन। ये सिर्फ राहज और ईशल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि ईशल इसको उड़ाने नहीं देती, उसी होता बस मैं पकड़ लूँ इसे। हाँ जी, बैटरी डाउन है कि अभी भी? नहीं, रीसेट मार भाई। जब पीर दिखो थोड़ा सा रिस्की है, इतना डेड हूँ वो थोड़ी नहीं, मैं भी खाने जा रहा हूँ। कैमरा रेडी है? मेरा ड्रोन डांस भी करता है। सही हुआ, क्या क्या मतलब डांस भी करता ना, सही डांस किया है तुम आपके ड्रोन ने। ये ऊपर जा रहा है, इसके अंदर फंक्शन लगे हुए हैं थोड़े से, और मैं आई नहीं रहा हूँ। देखो भाई छोटे से फंक्शन है और मैं आने नहीं रहते। मैंने तो टेस्ट किया, मैंने भाई
गाइस मैंने इसे फुल स्पीड में नहीं उड़ाया क्योंकि छोटी जगह थी ना, अभी मैं जब बाहर उड़ाता हूँ जैसे बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ाता हूँ, इसमें क्योंकि तीन मोड है स्पीड के, मैंने ड्रोन उड़ाना था। व्यूअर सारे कामों से फ्री होकर मैं निकल आई हूँ अपनी बहन के घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे बाजी से मुलाकात ही नहीं हुई थी और नाराज़ भी हो रही थी, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बाजी के घर जाएँ, ज़रा गपशप करें। और रात को हम लोगों ने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ, हमने बच्चों को भी लेके जाना था, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े दिन में हम जो हैं बाजी से भी मिलाते हैं, क्योंकि काम सारे हो गए थे और ज़रा गपशप सी लग जाएगी। कि मैंने और मेरी एक और सिस्टर ने बड़ी बहन की तरफ जाना था, हम मिलकर ये था कि चलो मुलाकात भी हो जाएगी, गपशप हो जाएगी, थोड़ी ज़रा सी इंजॉयमेंट हो जाएगी। तो ये सारा रास्ता देखें नहर का है, कितना खूबसूरत लग रही है नहर, लोगों की खूबसूरती अगर कही जाए तो इस नहर की वजह से ही अब बहुत खूबसूरत व्यू आता है नहर का, और आप देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त लग रहा है सारा रास्ता, दिल खुश हो जाता है और एक फ्रेशनेस ही फील होती है नहर की साइड पर आकर। और ये कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं अपनी बहन की तरफ, क्योंकि अब तकरीबन घर नज़दीक आ गया है। ये देखने पर सामने चाय पानी पीने के बाद और ये कोक पीने के बाद हम लोगों ने काफ़ी गपशप की और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और हम अब अपने घर को वापस जाने लगे थे, क्योंकि हमने मैंने आपको बताया था कि बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ हमने बच्चों को रात को लेकर वहाँ बाहर जाना, लिबर्टी की साइड पर उनको लाइटिंग वगैरह दिखाने के लिए, क्योंकि 14 अगस्त की वजह से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई होती है। ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा सब डिकोर हुआ हुआ है, ये किनाल रोड को लाइटिंग से सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। बल्कि कोई भी इवेंट होता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाहौर को सजाया जाता है ये, और स्पेशली जो किनाल रोड है इसको हर तरफ लाइटिंग, बहुत ना मज़ा आता है, ज़बरदस्त लगता है सारा, बहुत खूबसूरत सब लगता है, दिल कहता है बस यहीं पर खड़े होकर सबको देखते रहें, बहुत प्यारी ज़बरदस्त लाइटिंग की होती है। और वैसे भी बहुत कोई और इवेंट होता तब भी बहुत अच्छा डिकोर किया जाता है, इसके अलावा और भी कोई इवेंट हो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सजाया जाता है। ओके व्यूअर्स, मेरा आज का व्लॉग यहीं तक करता है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने तमाम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।